हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जो काफ़ी समय से कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को एज़ ए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट करने के लिए कोर्ट uh, में भी गए थे और uh, काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे फाइनली आज हिमाचल प्रदेश के uh, जो पेंशन ब्रांच uh, है फाइनेंस डिपार्टमेंट की उन्होंने एक ऑप्शन मेमोरेंडम जारी करते हुए ये जो uh, पिछला कॉन्ट्रेक्ट सर्विस का जो पीरियड है इसको क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज़ ऑफ पेंशन के लिए कैलकुलेट करने की जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन या मेमोरेंडम जारी कर दिया है चलिए डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ये आज 10 जून 2024 को एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है जिसमें इन्होंने कुछ एक पॉइंट दिए हैं जल्दी हम आते हैं पॉइंट नंबर सात पे Detail, level, court, नहीं नहीं कि आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द मैटर एट गवर्नमेंट लेवल कीपिंग इन ब्यू द ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पास बाई द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ये इन्होंने बोला कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि टू काउंट द कंटेक्चुअल सर्विस फॉलोड बाई रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन सेम पोस्ट बाई बे ऑफ रेगुलराशन एज पर द रेगुलराइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट अंडर द सी सी एस पेंशन रूल नाइनटीन सेवनटी टू ऑन फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन मीन्स इसको एज ए पेंशनरी बेनिफिट काउंट करने के लिए इन्होंने जो सी सी एस पेंशन रूल नाइनटीन सेवेंटी टू है उसको उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो रूल uh, थर्टीन में क्वालिफाइंग सर्विस जिसे माना गया है उसके तहत इसको क्वालिफाई सर्विस मानने के लिए इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए इसमें कंडीशन क्या है इसमें इन्होंने सात आठ पॉइंट रखे हैं जो कंडीशन हैं कि देखिए ये जो इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है या इंगेजमेंट जो हुई है गवर्नमेंट सर्वेंट की वो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से या जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसके माध्यम से हुई होनी चाहिए तभी उसको हम कॉन्टैक्ट सर्विस को जो है वो रेगुलर मानते हुए क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे दूसरी बात इसमें बताइए गवर्नमेंट सर्वेंट अंगेज और सेलेक्टेड बाई ी अदर मोड ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड विदाउट अप्रूवल और कंसेंट ऑफ द गोर्नमेंट शेल नॉट बी एलिजिबल टू काउंट सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन सी सी एस पेंशन रूल मीन्स अगर किसी और मोड से आए बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो फिर उसको जो है वो इस पेंशनरी बेनिफिट के लिए जो सी सी एस पेंशन रूल है उसमें क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानेंगे तीसरा इसमें बताइए द काउटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्विस फॉर बेनीफिट शेल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंटेक्चुअल सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलड बाई रेगुलर पॉइंट मींस देखो पहले कॉन्टेक्ट में होना चाहिए फिर वो रेगुलर हो जाना चाहिए किसम जो रेगुलजेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है उसके तहत वो पहले कॉन्टेक्ट में हो उसके बाद रेगुलर हुआ होना चाहिए अगला जो फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट सर्वेंट हु विश टू कॉन्ट सर्विस फॉर द पर्पज़ ऑफ पेंशन बेनिफिट उनको एक एक्साइज ऑप्शन करनी पड़ेगी विद इन थर्टी डेज और ये इन्होंने एनेक्शर ए दे रखा है ये जो भी कॉन्टेक्चुअल सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस काउंट कराना चाहते हैं गवर्नमेंट इंप्लाईज उनको ये अनेक्सर वन जो जोबो वर के देना पड़ेगा और ये कहाँ देना होगा देखिए आप चाहे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं या अपना जिस ऑप्स में आप पोस्टर हैं अभी वहाँ उस ऑप्स में इसको जमा करा सकते हैं एंड ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड इिबोकेबल मीन्स एक बार आपने जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो फिर जो है वो वो चेंज नहीं होगी उसके बाद अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि इन केस इनकेस गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी मान लीजिए कि डेथ हो गई है या a, जो रेगुलर तो हो गए हैं बट उनकी डेथ हो गई है तो अब क्योंकि वो तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो इसमें इन्होंने बोला कि जो उसकी फैमिली मेंबर हैं वो जो है वो इसमें एनेक्शन में जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे द गवर्नमेंट सरमेंट हु ऑन कॉन्टेक्ट सर्विस ऑन और बिफोर फोर्टीन में टू थाउजेंड थ्री सेल बी डीम टू बी कवर्ड अंडर सी सी एस पेंश रोल देखो पंद्रह पाँच दो हज़ार तीन से एन पी एस शुरू हो गया था तो अगर चौदह पाँच दो हज़ार तीन से पहले कोई कॉन्टैक्ट में कॉन्टेक्चुअल uh, सर्विस में था तो इसमें बताया गया कि उसको सी सी एस पेंस रोल में कंसिडर कर लिया जाएगा एंड uh, कब से जब से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी रही है द uh, गमेंट्स सेवन हु वा हु वर अंगेज ऑन कॉन्टैक्ट सर्विस बिटवीन द पीरियड जो पंद्रह पाँच दो हजार तीन से पहले तो उनको तो इन्होंने बोल दिया कि जिस डेट से वो कॉन्टैक्ट में आए हैं उसी डेट से उनको जो है वो रेगुलर मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन बट ये इसमें बात करी गई है कि आ, द, गवर्नमेंट सर्वेंट हु वर अंगेज ऑन कंटेक्ट सर्विस बिटवीन द जो पंद्रह पाँच दो हज़ार तीन से लेकर कत्ती तीन दो हजार तेईस क्योंकि इक्ती तीन तेईस तक जो थी एन पी एस थी एक चार दो हज़ार चौब तेईस में जो आपको पता है कि स्टेट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट होगी थी तो मीन्स ये जो बीच का एन पी एस वाला पीरियड था पंद्रह पाँच दो हज़ार तीन से लेकर कत्ती तीन दो हजार तेईस तक इस पीरियड को इन्होंने बोला कि अगर इसमें कोई गवर्नमेंट प्लाइज की बीच में मान लीजिए कॉन्ट्रेक्ट में था और पेंशन उसको बेनिफिट नहीं मिल पाई टेन ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस होते हुए तो और अगर आज इन दो सालों को जोड़ के अगर मान लीजिए उनके टेन ईयर बन रहे हैं तो वो इसके लिए जो हैं वो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे बट इन्होंने डेट रखी है कि ये जो एलिजिबल होंगे ये होंगे एक चार दो हज़ार तेईस से मीन्स जिस दिन से ओ लागू हुआ था अब बात आती है कि आ, एरियर क्या क्या होगा तो इन्होंने बोला था एरियर ऑन अकाउंट ऑफ काउंटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड प्रायर टू एक चार तेईस सेल्फ भी एडमिशबल इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन जो दो की नोटिफिकेशन थी उसके तहत जब उसको एरियर मिलेगा और एक चीज़ रह गई जो मान लीजिए दो हज़ार तीन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट में थे और रिटायर हो गए मान लीजिए और वो उनको दस साल पूरे ना होने की वजह से पेंशन नहीं लग पाई थी तो उनके लिए क्योंकि अब दो हज़ार तीन से पहले तो उनको तो ओ पी एस में ही मानेंगे और दस साल पूरे हो रहे हैं इस कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को डालते हुए तो उनके लिए जो एरियर है इन्होंने बोला कि जो दो हज़ार बारह की नोटिफिकेशन है कि पाँच इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा उस रूल के तहत जो वो इनको एरियर मिलेगा अब अगली लास्ट की एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट मैन हु हैज़ ऑप्टेड फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम जो उन्होंने अभी क्योंकि आपको पता है जब एक चार दो में जब ओ आई थी तो उस टाइम हर गवर्नमेंट प्लाइस से एक ऑप्शन ली गई थी और कईयों ने ओ को ऑप्ट किया था कईयों ने एन को ऑप्ट किया था तो जिन कर्मचारियों ने एन को ऑप्ट कर लिया है वो अब आ, इस आ, जो ओपीएस की जो ऑप्शन है इसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे द कम्पिटेंट अथॉरिटी सेल्फ पास सुटेबल ऑर्डर टूट कॉन्टेक्ट सर्विस फॉलोड बाई रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन बेनिफिट अंडर दिस जो सी सी एस पेंशन रूल नाइनटीन सेवेंटी टू इंस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु एक्साइज एन ऑप्शन मीन्स अब इसके लिए ऑर्डर कौन करेंगे और जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इसके लिए ऑर्डर करेगी और इनकी जो ऑप्शन की कॉपी है और ऑर्डरों और और की कॉपी है वो सर्विस में अटैच की जाएगी हेड ऑफ Process and finalize the pension cases of the government servant in accordance with these rules. इंस्ट्रक्शंस एंड सेंड द केस टू द एजी ऑफ वेस तो ये थी नोटिफिकेशन मुझे लगता कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड था इसको अब क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया गया है पेंशन पर्पज के लिए काफ़ी कोर्ट केस बन रहे थे तो मुझे लगता है गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक जो इंस्ट्रक्शन निकाली है अब ये जो कोर्ट केस थे उनसे राहत मिलेगी और कर्मचारियों को भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था उसको क्वालिफाइंग सर्विस काउंट करने के लिए उनके लिए एक अच्छा जो अपॉरचुनिटी मिल गई है तो अगर आप नए जुड़े तो चैनल का नाम है एचबी नोटिफिकेशन बाई संख्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंप्लाई से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहां पे मिलने